हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो आज अभी बज रहा है 8:30 और मैं 7 बजे उठ चुकी थी। मैंने देर का लंच तैयार कर दिया है, उसके लिए नाश्ता बना दिया है और मॉर्निंग की चाय भी मेरी बन चुकी है, लेकिन अभी मैंने पी नहीं है क्योंकि अभी जस्ट मैंने जितेंद्र को कॉल करके उठाया है। वो दोनों देव और जितेंद्र आएंगे, उसके बाद मैं चाय पीऊंगी। और फ्रेंड्स, आज का जो दिन है वो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज 22 डेट है जो कि मेरे पापा का है हैप्पी बर्थडे, जो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन हमारे बीच में पापा नहीं है, लेकिन उनकी यादें, जो प्यारे प्यारे पल जो हमारी मेमोरी में है, वो हमेशा हमको याद आते हैं। और आज हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, और वैसे तो हम उन्हें रोज बहुत मिस करते हैं। और ऊपर वाले से मेरी यही प्रार्थना है, यही प्रे करती हूँ मैं कि हमारे पापा जहाँ भी हो, अगर उन्हें दूसरा जन्म मिल गया है, वो जहाँ भी हो वो हमेशा खुश रहे और उन्हें एक अच्छा शरीर मिले, वो हमेशा स्वस्थ रहे। बस यही आज के दिन में यही विश करती हूँ गॉड से, मेरे भगवान से, कि मेरे पापा जहाँ भी हो वो हमेशा खुश रहे। सो फ्रेंड्स, देव को मैंने रेडी करके स्कूल पहुँचा दिया है। देव जितेंद्र से स्कूल छोड़ने गए हैं और मैं अब अपने घर का काम करूँगी और अब मैं मॉर्निंग की चाय पीऊँगी जब जितेंद्र आ जाएंगे, क्योंकि लेट हो गए थे। मॉर्निंग की चाय अब मैं लेट पीती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। तो अभी जितेंद्र आएंगे और हम दोनों सुबह की मॉर्निंग की टी साथ में पियेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं नहाकर हो गई हूँ रेडी, क्योंकि हम देव को लेने जा रहे हैं। वहाँ से मुझे मार्केट से काम है और इसीलिए मैं देव को लेकर मार्केट से कुछ काम है मुझे, जो कर आती हूँ। फिर मैं आपको मिलती हूँ बाद में। अभी मैंने सब्जी बना ली है, आटा गूंथ कर रख दिया है। अब जब ये खाना खा लेंगे तब इन्हें गरम गरम रोटी बना के खिलाऊंगी। चले चलो फ्रेंड्स, ये देखिए देव को हम स्कूल से लेने आ गए, कितना एक्साइट होता है। हाय देव, ये देखिए वो अपनी गाड़ी को भी बहुत बहुत मिस करता है। ये देखिए, इसके पापा की नहीं है, उसकी गाड़ी है। देव, किसकी गाड़ी है? फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत से छोटे छोटे बच्चे इसी धूप में, गर्मी में स्कूल आते हैं। यार यही तो आगे जाके देश का भविष्य, अपने फ्यूचर, अपने देश का ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है मुझे तो इन बच्चों को देख के। हमने देव के स्कूल से पिक कर लिया है और हम जाएंगे गेहूं लेने और ब्लैंकेट लेने जा रहे हैं। आज हम जितेंद्र और मेरे लिए एक ब्लैंकेट लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्लैंकेट मोटे मोटे हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। एसी चलने के बावजूद इतने मोटे मोटे ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता तो गर्मी नहीं, लगती। हम तो जितेंद्र मेरे लिए नहीं लाएंगे और ब्लैंकेट खरीदने जा रहे हैं। माय डियर, माय लवली हस्बैंड, मेरा बेटू, आज लंच फिनिश करा? क्या बनाया था आपकी मम्मी ने लंच में? संतरा भी नहीं खाया। क्या खाया? ओती खाया। एप्पल भी नहीं खाया, संतरा भी नहीं खाया। मैंने तो आपके लिए पराठा बनाया था, इतना प्यारा वाला। बाबू, पराठा भी नहीं खाया आपने? अरे यार देव, हम जा रहे हैं अब गेहूं लेने। आज पिंकी का थोड़ा डिफरेंट लुक है। ये कह रहे हैं फ्रेंड्स मुझे कि चूड़ा मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा। आप बताइए कि चूड़ा मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा? ओके। सो फ्रेंड्स, हम देव को स्कूल से लेकर आ चुके हैं घर और अब मैं इनके लिए बना रही हूँ गरम गरम रोटियाँ। और लवीना खुशी उठ चुकी है, उन्होंने भी काम कर लिया है और नहा लिया है उन्होंने, और अब मैं इनके लिए बनाने जा रही हूँ खाना। और ये देखिए देव को। सो फ्रेंड्स, देव को लेकर आकर स्कूल से हमने खाना खाया है और फिर मैं सो गई, देव भी सो गया और लवीना खुशी टीवी देख रहे थे। और ये देखिए, मैं एक न्यू ब्लैंकेट लेकर आई हूँ अपने लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, लवीना को लग रही है ठंड क्योंकि वो डायरेक्ट एसी के नीचे बैठी है। नहीं, इसलिए नहीं लग रही क्योंकि ये पंखा भी चला। तो फ्रेंड्स देखिए, देव ने चाय बिस्किट खा के मेरा पूरा बेडशीट का ये पूरा बेडशीट में चाय ढोल दी है, गंदा कर दिया।
सो फ्रेंड्स, मैं मम्मी के घर आ चुके हैं हम सब, और मम्मी ने आज बनाया है पापा का फेवरेट खाना। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे पापा को क्या पसंद था। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी मम्मी बैठी है। सो फ्रेंड्स, हम मम्मी के यहाँ सर घर से आ गए हैं खाना खाकर। आज हमारे पापा का बर्थडे था तो मम्मी ने हमारा खाना वहीं रखा था, और वह हमारे पापा का फेवरेट खाना बना था। फिर हम पापा को याद भी बहुत किया हमने आज। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको आज का मेरा हमारा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। सो फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।